बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मोहम्मद महरोज़ अली बरेलवी अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको नवाब हाफिज़ रहमत खां के मकबरे की ज़ियारत कराऊँगा। यह है हाफिज़ रहमत खां का मकबरा। ये मकबरा तकरीबन 250 साल पुराना है। ब्रिटिश हुकूमत में ये मकबरा बनवाया गया था। हाफिज़ रहमत खां की विलादत 1723 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर मर्दान में हुई थी। 1749 ईस्वी में इन्हें रोहिला का सरदार बनाया गया। ये मकबरा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के मोहल्ला हुसैन बाग में मौजूद है। यह है हाफिज़ रहमत खां का मज़ार शरीफ। दोस्तों, इसी तरीके की और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। इस मकबरे के दोनों साइड काफ़ी सारी कब्रें भरी हुई हैं। गौर से देखने पर यह मकबरा एक किले की तरह लगता है। जो आप टीन शेड देख रहे हैं, ये मकबरे वाली मस्जिद है, जो कि मकबरे के बिल्कुल बराबर में ही बनी हुई है। यहाँ इस साइड भी बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। ये कब्रें उसी वक्त के लोगों की हैं। जब ये मकबरा बनवाया गया था, उसी दौरान यहाँ एक छोटी सी मस्जिद भी बनवाई गई थी। अब यहाँ नमाज नहीं होती है। ऐसा इसलिए कि आसपास और भी काफ़ी मस्जिदें मौजूद हैं और ये मस्जिद छोटी है, इसलिए इस मस्जिद को बंद कर दिया गया है। हालांकि यहाँ मस्जिद की निशानी आज तक मौजूद है। ईरानपुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हाफिज़ रहमत खां का विसाल हुआ। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी करें।